हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है सभी को नमस्कार। आज हम भटूरे बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं भटूरे में क्या क्या पड़ता है, कैसे क्या पड़ता है, वो डालते हैं हम। आप लोग सीखिए। जिसको भटूरे का आटा ना लगाना आता हो मैदा, वो हम आपको बताते हैं। बने रहे हमारे ब्लॉग में और 2 मिनट अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे भटूरे का मैदा लगाया जाता है, क्या क्या पड़ता है, क्या क्या चीज़ पड़ता है। एक एक चीज़ बताऊंगा क्या क्या डालता है उसमें। आप लोग बने रहे। जो हमारी महिला हैं और महिलाएं हैं जो खाना सीखना चाहती हैं, तो दोस्तों बनी रहे हमारे ब्लॉग में, दिखाते हैं क्या क्या पड़ेगा। आप लोग बने रहें बने रहें, दिखाते हैं आपको हम क्या क्या डालते हैं। आप भटूरे का मैदा लगाना सिखाते हैं आपको, दिखाते हैं नीचे आपके लिए आ गया ये मैदा। बने रहें मैदा आ गया आपके लिए, मैदा पड़ गया। और मैदा पड़ने के बाद थोड़ा सा सूजी डाल रहे हैं, देख सकते हैं। मुश्किल का डाले होंगे सूजी 25 ग्राम। और कसूरी मेथी, और थोड़ी सी अजवाइन। थोड़ा सा नमक डालते हैं उनका। दोस्तों थोड़ा सा दही पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा दही डालते हैं। और बने रहे आपको दिखाते हैं बिल्कुल हम कैसे मैदा लगाया जाता है भटूरे का। और दोस्तों थोड़ा सा दही डाल दिए हैं। अब इसे हम मैदा हल्का सा, अब ये हल्के पानी में अभी इसे मिलाएंगे, थोड़ा सा मिला के रखेंगे, दिखाते हैं आप बने रहें दोस्तों। और हल्का पानी लगा के छोड़ दिए हैं थोड़ी देर मिला के। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सूजी फूल जाएगा ना, उसके बाद इसे हम गूंज देंगे बढ़िया सा गूंज के, और हल्का तेल लगा के इसे रख देंगे हम आधा घंटा, फिर ये फूल जाएगा। तो हम लोग मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर ये कोई चीज़ हम यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं। मस्त बनता है भटूरा, वो बना के भी दिखाएंगे, बने रहे ब्लॉक में। और दोस्तों देखो कैसा हुआ, अभी दिखाते हैं आपको। और फिर छोले बनाने सिखाऊंगा, नवरात्रे चल रहे हैं तो बगैर प्याज और बगैर लहसुन का कैसे छोले बनाते हैं वो भी बताएंगे हम। मदद देना है तो बिल्कुल बढ़िया सा।
दोस्तों इस पे थोड़ा सा इस पे हम रिफाइंड लगाएंगे। रिफाइंड लगा के थोड़ा ढक के रख देंगे तो ये फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बनाने के लिए की दिखाते हैं, वो मिले आगे, थोड़ा रुक के। ओके बाय बाय। दोस्तों बॉल में हम तेल लगाएंगे, थोड़ा सा सरसों का या रिफाइंड, और बॉल में लगाने के बाद दोस्तों फिर ये हम मैदा इसमें लगाएंगे ताकि चिपके ना। अभी दिखाते हैं आपको, मैदा मैंने इसमें रख दिया है, देख सकते हैं। और इसमें हम अब इसे ढक के रख देंगे हम थोड़ी देर। और दोस्तों ढक के रख देंगे थोड़ी देर, अभी ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद पेड़े काटेंगे तब भटूरे निकालेंगे। दोस्तों आगे फिर बने रहे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय, नमस्कार।